नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात किया था, कितने टाइप का होता है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही टाइप डिस्कस किया है। अभी वो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डेट इज़ मेथड ओवर लोडिंग। ओके, और मेथड ओवर राइडिंग को हमने बताया था कि हम लोग जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे उसके बाद ही पढ़ेंगे उसे। ठीक है, आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है कंस्ट्रक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसको क्या यूज़ करना चाहिए, बेनिफिट्स क्या है, कितने टाइप का होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या होता है, क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इनिशलाइज करने का, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल है उन सभी को एक ही साथ इनिशलाइज करने का ये काम करता है दोस्तों। ओके, ऑब्जेक्ट कंटेन थ्री देयर ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, मैंने बता ही दिया है कि ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, सारे, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, सारे मेंबर उसके साथ क्या रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं। तो बहुत एक क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं। अब सारे इंस्टेंस वेरिएबल को एक ही साथ इनिशियलाइज करना ये कोई आसान बात नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं आसान, वो कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। जावा अलाउ ऑब्जेक्ट्स टू इनिशियलाइज देमसेल्व्स व्हेन दे आर क्रिएटेड। ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म थ्रू द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर को पहचानेंगे कैसे, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है दोस्तों और जो क्लास का नाम होता है वो सेम होता है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो क्लास का जो नाम होता है और जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है दोनों सेम होता है। कंस्ट्रक्टर होता तो मैथड जैसा ही है, लेकिन ये मैथड नहीं है। ओके, ये कह सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैथड है, जिसका एक्सेस मॉडिफायर तो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, मतलब इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, वॉइड, इवन वॉइड, ये सब इसका नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स को दोस्तों मैंने यहाँ पर सारा लिख रखा है। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड लाइक मैथड्स। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं उसी समय क्या होता है, आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने आर्गुमेंट के रूप में कंस्ट्रक्टर जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया था तो दिया है या नहीं। ठीक है, अगर आपने नहीं दिया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली एज सुन एज ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप, मैंने बता ही दिया, होता ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर का नेम इज सेम एज डेट ऑफ क्लास नेम। टाइप्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ये दो टाइप का होता है। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक एनी आर्गूमेंट और पैरामीटर। ठीक है, दूसरा जो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आर्गूमेंट होते हैं। ठीक है, आर्गूमेंट बोल लीजिए या फिर पैरामीटर बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन टेक वैल्यू, क्या क्या हो सकता है, वो आपका इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, एरे और एनी ऑब्जेक्ट हो सकता है। कंस्ट्रक्टर कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि दो ही लेना है या चार लेना है या छः लेना है, आप 10 भी ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ओके, ये डिपेंड करता है आपका ज़रूरत कैसा है। तो सबसे पहली बात, फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर को जब कॉल नहीं करना पड़ता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कॉल करने का जो एक स्टेप जो होता है वो आपका सेव हो गया। मतलब क्या हुआ, आपके प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, इन्हेंस हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपका कंस्ट्रक्टर का। दूसरा जो होता है, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उन सभी को एक ही साथ इनिशियलाइज करना हो तो वो क्या है, आपका कंस्ट्रक्टर है जो सबसे बड़ा जरिया बनता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर रहा है। आइए इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैंने एक क्लास लिया है रेक्टेंगल, और इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल है, पहला है लेंथ, दूसरा है ब्रेथ। यहाँ देखिए रेक्टेंगल लिया है, तो गौर से समझिए इस चीज़ को। ये जो देखिए क्लास का जो नाम है जहाँ पे माउस दिख रहा है, और ये देखिए दोनों सेम है। अभी यहाँ पे मैंने दोस्तों कुछ लिखा नहीं है, तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे PUB LIC पब्लिक, तब ये हमारा बन गया पब्लिक कंस्ट्रक्टर। ओके, और अगर कुछ नहीं लिख रहे तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या है, यहाँ पर आर्गूमेंट कुछ भी दिया नहीं जाता है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दोस्तों आप देख ही रहे हैं मैंने लिख दिया है। दूसरा जो दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, यहाँ देखिए इंट और इंट, लेंथ और ब्रेथ लिखा है, तो इसके अंदर आपने आर्गुमेंट दिया है, पैरामीटर पास किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आपने आर्गुमेंट पास कर दिया। ओके, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी आर्गुमेंट पास किया है, लेकिन गौर से समझिए, यहाँ पे दोनों में लेंथ दोनों इंटीजर है, यहाँ पे दोनों क्या है, डबल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बोलेंगे नाम सेम है, आर्गुमेंट क्या है, अलग अलग है, तो और है ये कंस्ट्रक्टर, तो बोलेंगे ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, नेम सेम है और आर्गुमेंट क्या है, अलग अलग है, तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है आपका, पॉलीमॉर्फिज्म का है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलेंगे इन दोनों को। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें तो भी बोल सकते हैं कि यहाँ आर्गुमेंट है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे तो आर्गुमेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोस्तों क्या किया, फिर एरिया को यहाँ पर मैंने बनाया एरिया के मेथड, और फिर लेंथ ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ देखिए रेक्टेंगल डेमो बनाया है, जिसमें मैंने क्या किया, रेक्टेंगल सबको कॉल किया है यहाँ। अब यहाँ पे गौर से समझिए, ये दो जो है, तीन जो है, आपको समझने सबसे इम्पोर्टेंट यही है। यहाँ देखिए पहला वाला में क्या हो रहा है, मैंने रेक्टेंगल में कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इट मीन्स इट विल कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, स्टार्टिंग में जो हमने जो लिखा था ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो इट विल बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ रिटर्न सेकेंड ऑब्जेक्ट, वी हैव पास टू इंटीजर, नाउ दिस विल मैच विद दिस कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड। ओके, देन दिस विल कॉल, तो ध्यान रखना है पैरामीटराइज्ड में क्या करना है, जिस समय हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी समय आर्गुमेंट में वैल्यू पास करना है उसके अकॉर्डिंग जो आपने क्रिएट किया है, उसके बाद जो दूसरा है वो डबल के हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ कैसे कर रहे हैं, और आपने वैल्यू जो है जो दिया था उसके अंदर डिफॉल्ट के अंदर वो एक्सेस हो जाएगा 6 और 8। ठीक है, R1 से अगर बात करें तो 6 × 8 48, और R की अगर बात करें तो R है 10 × 2 200। ठीक है, एरिया आपका कैलकुलेट होके फाइनली आपको आउटपुट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं इसी चीज़ को जो है प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म हमने पिछले क्लास में लिया था, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से पैकेज बना लिया और नाम दे दिया उस पैकेज का CONS कंस्ट्रक्टर, CONS बस शॉर्ट फॉर्म। ओके, और यहाँ पर मैं इन सभी को बंद कर रहा हूँ। ओके, और इस पे मैंने सबसे पहला काम न्यू में जाकर एक क्लास लिया। ओके, और नाम दे दिया रेक्टेंगल, RECTAN, रेक्टी देता हूँ दोस्तों, रेक्टेंगल नहीं दे रहा हूँ पूरा। ओके, और यहाँ पर फिनिश, उसके बाद ओके, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर INT लेंथ को शॉर्ट फॉर्म में L ले रहा हूँ, और ब्रेथ को मैंने B लिया। ओके दोस्तों, टाइम सेव हो जाएगा हमारा, और हमने यहाँ पे RECT रेक्ट, तो ये क्या हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं ले रहा हूँ, THIS दिस डॉट L इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट आप वैल्यू भी दे दीजिए, दिस भी लिखने की जरूरत नहीं है, L इज इक्वल टू 12 और B इज इक्वल टू 15। ओके, और यहाँ पर RECT रेक्ट, और यहाँ पर हमने दोस्तों दिया INT L कोमा INT B और THIS दिस डॉट L, उसके बाद फिर L और दिस डॉट B इज इक्वल टू B। ओके दोस्तों, L और B हमने ले लिया, और यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ RECT रेक्ट, और इस बार मैं डबल ले रहा हूँ, DOUBLE L
कॉमा डी ओ यू बी एल ई डबल बी, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक डी ओ यू बी एल ई डबल ए आर इज इक्वल टू ज़ीरो और ए आर इज इक्वल टू एल इंटू बी, और हमने क्या किया एस ओ यू टी कंट्रोल स्पेस बार एरिया ए आर ई एरिया ऑफ आर ई सी टी रेक्ट एच, और हमने यहाँ पर लिख दिया ए आर दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नॉर्मल मेथड बना लेते हैं वाइड एरिया, और हमने क्या किया यहाँ पर आई एन टी एंट ए आर इज इक्वल टू ज़ीरो और हमने लिखा ए आर इज इक्वल टू एल इन टू बी, और लास्ट में एस ओ यू टी कंट्रोल स्पेस पर ए आर ई एरिया ऑफ आर ई सी टी ट्रैंगल इज, और यहाँ पर प्लस ए आर, ये हमने सेव कर लिया। अब हमने क्या किया दोस्तों, एक नया क्लास बनाया यहाँ जाकर, और दिया रिजल्ट आर एस यू एल टी रिजल्ट ओके, और हमने इसको फिनिश कर लिया। यहाँ पर ये बन, इसके बाद ये भी दोस्तों क्लोज। अब मैंने क्या किया यहाँ पर पी यू बी मेन मेथड बना लिया, और रेक्ट को आर ई सी टी रेक्ट आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू न्यू आर ई सी टी, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया है सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इस ये जैसे ही कॉल होगा ऑटोमेटिक एल और बी क्या होगा इनिशलाइज हो जाएगा जो भी आप वैल्यू दिए हैं इसके अंदर यानी 12 और 15 से। साथ ही साथ आप मैसेज भी प्रिंट कर लीजिए एस ओ यू टी सम आ गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डी ई एफ ए टी डिफ़ॉल्ट सी ओ एन एस यू सी टी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है एस ओ यू टी पैरामीटराइज पी ए आर ए टी ई आर आई एस सी डी राइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये हमने कर लिया सेव ओके। और अब क्या किया देखिए, अभी आपने क्या किया सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक क्या होगा आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ कॉल होगा यानी आउटपुट पे अभी जो है आपका सिर्फ क्या आएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आएगा, साथ में अगर आप वैल्यू चाहते हैं तो वैल्यू भी आ जाएगा एस ओ यू टी साउंड ठीक है यहाँ पर प्लस क्या है आर डॉट एल, और इसे ही कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी आर डॉट वी, तो जो आपने आर और वी में वैल्यू दिया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिर्फ अभी वही प्रिंट होगा ओके। देखिए यहाँ पर अभी सिर्फ क्या आ रहा है 12 और 15 आ रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देखिए यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें अलग से एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं सबको कॉल कर रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ अगर आर ई सी टी रेक्ट आर आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू न्यू आर ई सी टी रेक्ट, और यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू दे दिया 10 कॉमा 15 ओके, तो अब ये कॉल कौन सा होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा इंटीजर वाला कॉल सी ए डबल एल पी ए आर ए टी ई आर आई एस ई डी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स ओके दोस्तों। और अब मैं लिख रहा हूँ आर डॉट एरिया ए आर ई ए, देखिए एरिया क्या है हमारा नॉर्मल मेथड है ये एन ओ आर एम ए एल नॉर्मल मेथड टी एच ओ डी, देखिए नॉर्मल मेथड को क्या करना पड़ता है
कॉल करने के लिए लिखना पड़ता है। अगर वो स्टैटिक भी होता उस केस में आपको क्लास का नाम यूज़ करना पड़ता, तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर को दोस्तों कॉल करने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आर आर भी कर लेते हैं, इसको कॉल कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी हमने दे दिया, यहाँ पे आर कंट्रोल एस। अब इसको रन करा दीजिए, ये देखिए आ रहा है, परंतु तो वो ये जो कॉल हुआ है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए, बाकी ये दो आ गए आपका वैल्यूज। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल हो गया जैसे आपने ये बनाया। उसके बाद देखिए एरिया 180 इसकी वजह से आया, 150 इसकी वजह से आया है, तो सारे ही कॉल हो रहा। हाँ, अगर आपको डबल वाला कॉल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू जो है डबल में दीजिए, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डबल वाला कॉल करना है उस केस में कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हमने दिया यहाँ पर 1.5 और 1.0, और यहाँ पे ट्रिपल आर कर दिया, तो ये अब डबल वाला जो आपने बनाया है कंस्ट्रक्टर, यानी कौन सा ये वाला, ये दिख रहा है आपको डबल, डायरेक्ट आपका एरिया भी ये कैलकुलेट करके दे देगा। ओके, ये जो डबल वाला आपने जो बनाया है, तो चलिए इसको देखिए, तो मैं यहाँ पे आ गया रिजल्ट वाले फाइल पे, सेव और राइट क्लिक रन फाइल, ये देखिए आपका वो भी कॉल हो रहा है 1.5। ओके, तो सारे इस तो पैरामीटर कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर पास कर दीजिए, और जो डिफ़ॉल्ट है उसमें सिर्फ ऑबिट बना दीजिए, तो वो सारे सारे कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, इनिशलाइज कर देगा, जो भी आप कंस्ट्रक्टर के हेल्प से जो भी लिखा हुआ है उन सारे कोड को वो रन करा देगा दोस्तों। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है वो भी रिसर्च कर लिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और अब ये जो आर्गुमेंट हमने पास किया है यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे डबल, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी पास करके आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट देखिए किसी भी टाइप का हो सकता है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सेम होता है क्लास का नाम। देखिए गौर से, रेक्ट रेक्ट रखा हुआ है, यहाँ रेक्ट क्लास का नाम क्या है, रेक्ट है, तो देखिए ये जो मैंने लिखा है रेक्ट, तो ये भी रेक्ट है, और इसकी बात करें तो यहाँ देखिए ये भी आपका रेक्ट ही है। तो क्या है ये, कंस्ट्रक्टर। ओके, क्या है ये, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पहचाना आसान है। दूसरी बात, एक बात और है यहाँ देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बनाते हैं, PUBLIC पब्लिक, ओके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, तो कोई समस्या नहीं है, रन कर रहा है आसानी से। लेकिन अगर आप प्राइवेट बना देते हैं, प्राइवेट PRIVATE प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अगर बनाते हैं, तो इसी सेम क्लास में अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी यहाँ पे अगर आप मेन मेथड लिखे होते, यहाँ पर अगर आप मेन मेथड लिखे होते तो कोई समस्या नहीं होती दोस्तों, वो रन करता। लेकिन अगर आप दूसरे क्लास में जाकर अगर आप उसको इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उस केस में इनिशिएट नहीं कर सकते। इनिशिएट करना मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं उस केस में, कब, जब आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपने क्या कर दिया है, प्राइवेट बना दिया है, तब। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप पब्लिक लिख सकते हैं, PUBLIC पब्लिक, और कोई रिटर्न टाइप नहीं दे सकते, जैसे मैंने दे दिया इंट, तो क्या है ये, गलत, कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है, सिंपल मतलब वर्ड भी नहीं लिख सकते हैं, वर्ड भी लिखते हैं तो भी क्या है, गलत है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ड भी रिटर्न टाइप के रूप में आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ, कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि आपने अगर कंस्ट्रक्टर बनाया है तो इसका रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, पब्लिक रखेंगे तो आप ऑब्जेक्ट किसी और भी
दूसरे क्लास में भी क्रिएट कर सकते हैं, सेम क्लास में क्रिएट, सॉरी दूसरे क्लास में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सेम क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी सारे कॉन्सेप्ट को आपको दोस्तों याद रखना है, सही है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना, प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लर्नर्स अड्डा का लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।